आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। I'm sorry, पर तुम अब आधी घरवाली रह गई हो। तुझे शर्म आती है? तूने अपनी बहन की जिंदगी खराब कर दी, उसकी हालत देख क्या हो गई है। अमिका तू कहाँ थी? हाँ, इसने रमन भाई से शादी कर ली, कहाँ थी तू? अरे तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? इससे पूछो ना, इसने किया है सब कुछ। पहले तो मेरे और रोमी के बीच में आई, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, फिर अब जब मुझे रमन के साथ रहना था तुम फिर क्यों बीच में आ गई? क्या जरूरत है लाइफ में इंटरफेयर करने की? मुश्किल से मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत कर रही थी, तुम फिर बीच में आ गई। फिर से मुझे बेवकूफ बना के चली गई है। लेकिन हुआ कैसे ये सब हुआ कैसे? तो ये आदमी कहाँ गया? कब आया स्कूल? उसको मैंने कब देखी काम दे करके? धोखेबाज, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मुझे दोबारा इसमें भरोसा ही नहीं करना चाहिए। काम पहले भी ये मुझे धोखा दे चुका है। ये शिता कहाँ गई होगी? होगी कहाँ ये? मुझे सिमी को बताना पड़ेगा। रमन गाल सर पुत्र, रुक जा पुत्र। रमन मेरे गाल सर, रुक जा पुत्र। सबकी को जाएगा पुत्र। हटो, मुक्त हो गया तुम लोगों का। चल मिलता। एक मिनट, रिलैक्स। मैं समझ रही हूँ अंदर खलबली मच रही होगी जानने के लिए कि हुआ क्या आखिर। बताना, मैं भी चाहती हूँ सब कुछ, लेकिन कहीं अकेले अकेले चल के आराम से बात करते हैं ना। अच्छा ठीक है, पूरे परिवार के साथ चलिए। मेरे से बकवास मत कर। सुनना है ना, तो चल। ननन जी, रमन रमन रमन, मेरे गाल सुन। किथे चला है गाल सुन? अरे किथे चला है पुत्र? धोखे से शादी? पहले अपने पति देव को तो आने दो, दुनिया के सबसे बड़े मास्टरमाइंड है वो आए, उन्हें कहानी सुनाए, तब तो मजा आएगा। लो आ भी गए। परम जी, ये क्या बकवास की जा रही है? ये कैसे आई घूंघट में? आपने तो कहा था कि ये नहीं पहुंचेगी वहां तक, ये कैसे हो गया? इसको जवाब दो, यहाँ के इसके मुंह पर जवाब दो इसको। क्या जवाब देंगे वो बेचारे, क्योंकि उनको जवाब इतना लाजवाब मिला है। पता है इन्होंने क्या किया था? परम जी ने एक आदमी को तैनात किया हुआ था एक बक्से के बाहर, क्योंकि बक्से के अंदर रिश्ता थी ना। उस आदमी से बोला हुआ था कि मुझ पर नजर रखे, एक एक मिनट की नजर। और एक बार शादी हो गई, उसके बाद इशिता का काम तमाम। और मुझे मारने के बाद परम उसे मार देता। परम उस आदमी का इस्तेमाल कर रहा था, पर उस आदमी को ये पता ही नहीं था, तो उसे मैंने बता दिया। फिर परम ने मुझे एक चांस दिया, पर मैं वो चांस खोना नहीं चाहता। चुप कर और अंदर जाओ। आपको सच में लगता है कि परम ने आपको चांस दिया है? आपको लगता है कि परम आपकी तरफ है सच में? मतलब ये कि परम चाहता है कि आप मेरा कत्ल कर दो, परम चाहता है कि आप उस इल्जाम में गिरफ्तार हो जाओ या वो आपको मार डाले, कि
अकेले आप ही तो विटनेस हो जिसको ये पता है कि मैं यहाँ पर बंद हूँ, जिसे परम की सारी करतूतों के बारे में पता है, मेरे अलावा वो जिंदा रहने देगा आपको? देख अपनी बातें बंद कर, मुझे अपना काम करने दे। अच्छा सुनो 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 सुनो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ एक बार बताओ, क्या इससे पहले परम ने कभी भी तुम्हें मार डालने की बात नहीं की? तुम मेरी कार की डिक्की में मिले थे, क्या उसने तुम्हें तब भी नहीं बोला वो तुम्हें मार डालेगा? उसने बोला है कि नहीं बोला है? क्या सोच रहे हो ये कि उसने उसने मारा क्यों नहीं तुम्हें अभी तक? अगर मारना ही होता तो मार देता। सोचो ना, दिमाग लगाओ। उसने तुम्हें अभी तक इसलिए नहीं मारा है क्योंकि वो चाहता है कि पहले तुम मेरा कत्ल करो, फिर उसके बाद मेरे कत्ल के इल्जाम में तुम गिरफ्तार हो जाओ, परम आजाद हो जाए, और अगर तुम नहीं गिरफ्तार हुए तो वो तुम्हें मार ही डालेगा। बिलीव मी, परम परम किसी का सगा नहीं है, वो किसी की तरफ हो ही नहीं सकता, वो अपनी बीवी का सगा नहीं है, वो अपने खिलाफ एक सबूत नहीं छोड़ेगा। सच में मेरा यकीन करो, वो मेरे पति की दूसरी शादी करवाने वाला है, उन्हें गलत दवाइयां दे रहा है, उनको मारने पे तुला हुआ है। मैं बस चाहती हूँ कि मैं मेरे पति को बचा लूं, और आप, आपको अपनी अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या? आपके बच्चे बच्चे नहीं है? होंगे ना। अगर आपको अपनी जान की फिक्र है तो प्लीज सही इंसान का साथ दो, परम का साथ मत दो, क्योंकि वो तो आपको मार ही डालेगा ना। अगर आपको मरना है तो रहो उसके साथ, और अगर नहीं मरना है तो मेरा साथ दे दो। क्या करूं? आप मेरा साथ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाके रमन से शादी करनी है। और मेरा क्या होगा? मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूंगी, आप मेरा यकीन कीजिए, आप मुझे जाने दीजिए, मैं वहाँ शादी कर लेती हूँ रमन से, उसके बाद मैं परम को एक्सपोज करूंगी, मैं पुलिस को बताऊंगी कि आपने मेरी मदद की थी। आप एक अकेले विटनेस होगी जो परम के खिलाफ खड़ा होगा। मैं आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाऊंगी, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आई स्वेयर मैं परम को एक्सपोज कर दूंगी, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, ये मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, और आप जानते हो मुझे, अब तक भी तो आप समझ गए होंगे, मैं अपने बच्चों की झूठी कसम कभी नहीं खाऊंगी। मुझे प्लीज आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज। ठीक है ठीक है, तो मैं मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन परम मुझे टेप रिकॉर्डर चाहिए, मिलेगा? हाँ, पर क्यों? आप लेकर तो आओ जल्दी जल्दी, प्लीज जल्दी, प्लीज प्लीज। फिर क्या था? घूंघट में पहुंच गई दुल्हन सही ठिकाने पे। कितनी बड़ी फ्रॉड औरत है इशिता, तूने मिलके हम सबको बेवकूफ बनाया है, शर्म आनी चाहिए तुझे। तुम्हारी इन बातों से ना मुझे कितनी सारी कहावतें याद आ रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी होती है। एक और लो, लोहा ही लोहा को काटता है। तुम्हारे खेल में तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए मुझे तुम्हारे लेवल पर उतरना पड़ा, तुमने मजबूर किया है मुझे। बहुत स्मार्ट समझ रही है ना खुद को। अभी बुलाती हूँ पुलिस को, वो निकालेगी तेरी पूरी हेकड़ी। परम जी लगाओ आप फोन पुलिस वाले को। लगाओ फोन आप पुलिस वाले को, परम जी लगाओ ना। पुलिस को नहीं बुला सकते हैं, पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, हम ही फंसेंगे। से पूछो मीका कहाँ है, कहीं उसको भी तो अपने कार की डिग्गी में छुपा के नहीं रखा। कहाँ मीका, क्या किया है उसके साथ? मीका वहां है जहां उसे होना चाहिए। आप लोग चुप क्या खड़े हो? अरे पूछो ना अपनी लाडली बेटी से क्या किया मीका के साथ। ये इतनी मतलब ही है, ये अपने मतलब के लिए उसको किडनैप करा सकती है या फिर मार भी सकती है। क्या किया तूने? तो आंखों में आंसू आ रहे, कितना प्यार है अपनी ना हो सकी भाभी से। हाँ बहुत प्यारी लगती तुमको मीका भाई, अब तो उसका कुछ नहीं हो सकता। क्या किया तूने? तुमने
मीका, तुमने रिलैक्स, तुमने रमन से शादी कर ली? How dare you? Oh God! ये मंगलसूत्र है, ये आपने मुझे पहनाया है, तो अब मैं आपकी बीवी हूँ। रमन जा कर रहे हैं, स्पीड कम कर। रमन पुत्र जितना गुस्सा कर रहा है घर जाके कर लेना, अभी ड्राइविंग पे ध्यान दे या फिर अपने पापा को चलाने दे। उस शैतान ने मेरे साथ धोखे से शादी की पापा। रमन, रमन, रमन देखे। रमन देखो लग गया ना। अरे देखा मैं इसलिए बोल रहा था भाई साहब, सॉरी सॉरी भाई साहब, आप अरे अभी तो पता लगी तो नहीं, सॉरी सॉरी भाई साहब, पता लगी तो नहीं, अब बच गया तो ठीक है। नहीं आप तो आप मुझे ऊपर ही पहुंचाने वाले हैं। अरे सॉरी 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 सॉरी। रमन तू आ जा मेरे नाल, पीछे बैठ जा। कमल के भला जी आप गाड़ी चला। चल तो बैठ, मैं गाड़ी में चलाता हूँ। नहीं पापा मैं गाड़ी चला लूंगा। पुत्र तू मेरे पास पीछे बैठ जा, तेरा दिमाग कहा ना, मैं चला लूंगा, कुछ नहीं होगा, मैं चला लूंगा गाड़ी। तू बैठ, मैं और देख के चलाना, संभाल के जरा ध्यान से। हाँ आराम नाल, गल तो किसी की सुननी नहीं ना इसने। पापा भले से शीतल ने धोखे से मुझसे शादी की, लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानता। वो मेरे घर में नहीं घुसेगी चाहे कुछ भी हो जाए। चौका देख लूंगा मैं। I'm sorry, पर तुम अब आधी घरवाली रह गई हो। मुझे शर्म आती है, तूने अपनी बहन की जिंदगी खराब कर दी, उसकी हालत देख क्या हो गई है। अमिका तू कहाँ थी? हाँ इसने रमन भाई से शादी कर ली, कहाँ थी तू? नहीं तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? इससे पूछो ना, इसने किया है सब कुछ। पहले तो मेरे और रोमी के बीच में आई, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, फिर अब जब मुझे रमन के साथ रहना था तो फिर क्यों बीच में आ गई? क्या जरूरत है लाइफ में इंटरफेयर करने की? मुश्किल से मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत कर रही थी, फिर बीच में आ गई। इस बार ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा सबक सिखाऊंगी तुम्हें कि तुम हमेशा याद रखोगी। क्या करोगी तुम? हेल यू रूइंड माय लाइफ। तो हो चुकी है ना मीका, बस करो अब। ड्रामा चलने दी थी पागल लड़की, और तुम मुझे सच में मारने वाली थी क्या? नो नो, मुझे मुझे लगा तुम सच में मारने वाले हो। मुझे हंसी छूट गई, मैं क्या करूं? क्या चल रहा है? अभी पुलिस को भी नहीं बुलाया उन लोगों ने, तुमने अभी ड्रामा खत्म कर दिया सारा। प्लान था, आई नो, बट मैंने इतना रूडली बिहेव किया, आई कांट टेल यू, मुझे बहुत बुरा लगा। आई एम वेरी सॉरी।
उल्टा पता मुझे इतना खराब लग रहा था कि तुम जो इतनी अच्छी लड़की है सब तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें ताने मार रहे थे, तुम्हें तो पत्थर बनना पड़ा है मेरे लिए। I'm sorry for that. Sorry. Everybody. Fairy Amma. I'm so sorry. मैंने बहुत बुरा किया। I'm so sorry. मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, नहीं तो आपको पता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मुझे सबसे ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा है। I'm so sorry. Fairy Amma, I'm very sorry. We're really sorry. हमें नहीं पता था ये सब, हमने कितना गलत सोचा आपके लिए, कितना गलत बोला। Sorry. अरे it's okay. ओह मेरा बच्चा। So, आप दोनों कैसा लगा मेरा नाटक? तुम्हें क्या लगा कि तुम एक्चुअली हम दोनों बहनों के बीच में आ सकती हो? सीरियसली इतना आसान नहीं है हम दोनों के बीच में आना। पता है जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि तुम हम दोनों को अलग कर सकती हो, वहीं पे, बस वहीं पे तुमने गलती कर दी सिम्मी। पेरी अम्मा ने ना एक ही हाथ से हम दोनों को खाना खिलाया। तुम्हें क्या पता है सिम्मी कि बहनों के बीच का प्यार क्या होता है? अरे ये सब एक प्लानिंग थी, ये लड़ाई झगड़ा, ऑल दिस नॉनसेंस। ओ गॉड बाबा, जस्ट शट अप। तुझे शर्म आती है? तुझ पर भरोसा किया था हमने, तूने हमसे झूठ बोला, तुझे हिम्मत छोड़ने वाली नहीं। बस कोशिश भी मत करना मेरी बीवी पे हाथ उठाने के लिए। और वैसे भी आप तो बहुत सोच में डूब गए होंगे ना कि ये सब कैसे हुआ। बताओ। इशुआ का कोर्ट आई थी हमारे डिवोर्स केस की हियरिंग के टाइम पे, जब उन्होंने मेरे खिलाफ गवाही दी। तुम यहां क्या कर रही हो? पूजा को मैंने यहां बुलाया है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.